अस्सलाम वालेकुम। तो बात करेंगे जीएक्सएस करेंसी के बारे में। यहाँ पे मैं आज आपको ये बताऊंगा कि ये करेंसी गई कहाँ पे, ये क्या मार्केट, इसकी मार्केट खत्म हो गई, क्या फ्यूचर में जो आने वाले दिन है ये रिटर्न होगी, या मेरे जो जितने इन्वेस्टमेंट है, ये सारे क्वेश्चनों के जवाब मैं आपको दे दूंगा कि मैंने जितना इन्वेस्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जीएक्सएस में अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो उसमें मेरा कोई स्पेसिफिक अमाउंट था, जैसे मैंने कुछ उसमें लिमिट्स लगाई थी सेल करने की, बाई करने की, लेकिन आज जब मैंने देखा तो ना तो मेरा लिमिट था, ना उसका ग्राफ मुझे नज़र आ रहा था, ना बाइनेंस पे उसका एग्जिस्टेंस था, ना कहीं और उसका एग्जिस्टेंस था किसी भी प्लेटफॉर्म पे। तो जब मैंने थोड़ा वेट किया, मैंने कहा कि शायद अकाउंट में मसला हो, लॉग आउट कर दिया, उसको चेंज किया, लेकिन स्टिल जब बाद में मैंने उसका बैकएंड पे जो रीज़न देखा कि ना अकाउंट में मसला है, ना बाइनेंस वालों की तरफ से, हाँ ये जम हुआ है, जीएक्सएस की जो करेंसी है वो आरईआई की करेंसी में जम हुआ है, और ये कब रिटर्न होगा। आप ये कह सकते हैं कि आप जीएक्सएस करेंसी और आरईआई की जो करेंसी है वो दोनों कंबाइन हो चुकी है, दोनों एक ही करेंसी है, ये आप सपोज कर दें, या आप इस तरह कह सकते हैं कि आरईआई ने जीएक्सएस को बाई किया, तो उनकी जितनी भी टोकन है वो आरईआई का यूज में आएगा, यूज करेगा, आरईआई नेटवर्क यूज करेगा। तो ये एक न्यूज है जहाँ पे यहाँ पे आपको इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप इसको रीड करना चाहते हैं तो बिल्कुल रीड कर सकते हैं। मैं इसमें जो मोटी मोटी चीजें हैं वो आप लोगों के सामने रख देता हूँ, जैसा कि ये रिटर्न मार्केट में कब वापस आएगा। तो मार्केट में आएगा 5 मई, 5 मई को मेरे ख्याल से आएगा। और एक और चीज, क्या जितनी मेरी जीएक्सएस की जो करेंसी थी, फॉर एग्जांपल मेरे पास 6 है, 10 है, तो क्या वो एज इट इज जीएक्सएस में आएगी, या किस चीज़ में आएगी, या आरईआई में आएगी, तो डिपेंड करेगा। अगर रिटर्न हुई तो शायद, अगर मार्केट दोबारा अपनी तरफ प्लान, अगर उनका जो जम्पशन था, जो उनकी जो बाई या कम्बिनेशन थी दोनों की, जीएक्सएस और आरईआई की, अगर वो कामयाब हुई तो शायद यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि एक जीएक्सएस की बदले में आपको 10 आरईआई मिलेगा, यहाँ पे जो लिखा गया है ये देख सकते हैं आप कि इस रेशो की बेस पे आपको आरईआई मिलेगा। हाँ शायद ये भी हो सकता है कि जीएक्सएस अगेन वो अपनी दोबारा अपनी और जो सिचुएशंस थी उसकी, या और जो उसकी ग्राफ्स थे, या और जो उसकी अपनी एक वॉल्यूम थी, अपनी एक वैल्यू थी, उसमें आ जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो जम हो जाए यहाँ पे आरईआई में, और अब जीएसएस आपको नजर ना आए, आरईआई आपको नजर आए। शायद ये भी हो सकता है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग करेंसी जीएक्सएस में, अगर आपके पास 1000, 1200, 500, जितनी भी डॉलर्स के आपने जीएक्सएस बाई किया था, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे आरईआई में, या आपको शायद ये ऑप्शन दे दे कि आप अपने जीएक्सएस फंड को आरईआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड, वो तो पता चलेगा 5 मई को कि मार्केट के क्या सिचुएशन बनेगी और क्या न्यूज़ लीक होगी। तो इन चीज़ों को, इन पे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं जब खुद यहाँ पे गया था तो जैसे ही मैंने पहले तो अपनी करेंसी को देखा कि मैं मार्केट में जो मैंने जो एक्सेस बाई की थी उसकी क्या सिचुएशन है, तो उस पे तो क्लिक करने के बाद मुझे देखने को मिला कुछ भी नहीं था वहाँ पे। वहाँ पे आप दो तीन ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ खास नहीं है जिससे आप ये कह सकते कि मैं ट्रेड कर सकूँ या मैं कुछ लिमिट लगा सकूँ। आप सिर्फ, आपको उसका टोटल जो आपकी अमाउंट है वो नजर आएगी कि आपके पास इतना जीएक्सएस है, जो भी होगी अवेलेबल वो आएगी इन ऑर्डर, वो आपको 0.0 शो करेगा, कोई भी ऑर्डर नहीं। इस तरह आप उसमें जो हिस्ट्री है उसमें आप ऑल पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास हिस्ट्री की डिफरेंट कैटेगरीज आ जाएगी, डिपॉजिट, विड्रा, कन्वर्ट, बाय एंड सेल, अर्न, ये सब कुछ, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ आपको नजर आएगा, कोई ग्राफ आपको नजर नहीं आएगा। तो इसमें किसी किस्म का टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये रिटर्न हो जाएगा 5 मई को, ये आपको जो जितने भी इन्वेस्टमेंट है आपको, वो आपको रिटर्न हो जाएगी जिस जिस शेप में भी हो, लेकिन वो आपको रिटर्न होगी। तो इसमें कोई किस्म किसी भी किस्म के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स हो कि आपके जितने फंड्स जेक्सेस में पड़े हुए हैं, आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की हुई है,
उसको उसी तरह रहने दो और उसमें कोई किसी भी किस्म की टेंशन ना ले। 5 मई को आपका इसका रिटर्न रिजल्ट मिल जाएगा। ये अगर आप रीड करना चाहते हैं तो बेशक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से रीड कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट लिंक्स हैं जहाँ पे आपको इस तरह की न्यूज़ मिलती हैं। नहीं नहीं रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ट्रेडिंग लॉस। ओके, ये तो खैर यहाँ पे लिखा गया है कि बाइनेंस आपकी अगर आप लॉस करते हैं तो उसकी किसी भी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। बाइनेंस आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, असल में इसकी जो मेन वजह है वो ये कि आप इस चीज़ पे वो आपका रिस्पॉन्सिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बाइनेंस पे ये करेंसी लॉन्च हो गई, जेएक्सएस की मैं बात करूँ, और अचानक से ये चली गई, मार्केट से गायब हो गई, और आपकी जो फंड्स थे उसमें आपने अगर बाई किया है तो वो भी ख़त्म हो गए, तो बाइनेंस इसका रिस्पॉन्सिबल है। इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं कि अगर आप ट्रेड करते हो और उसमें आपका लॉस हो जाता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाइनेंस नहीं लेता, बल्कि इसकी ले लेता है कि अगर कोई करेंसी भाग जाती है या कोई करेंसी एक्चुअल में उसकी कोई, अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जेएक्सएस की या एडीए की या किसी भी करेंसी को आप ले ले, चले एडीए को मैंने सेलेक्ट कर लिया, अगर मैं अब मेरे पास स्पेसिफिक अमाउंट्स में एडीए हो और यहाँ से गायब हो जाए और ना कोई इस किस्म की न्यूज़ आ जाए कि ये प्लानिंग के साथ जम हुई है और आपको इसके बदले में एडीए के बदले में आपको बिटकॉइन मिलेगा, जो भी हो, लाजमी नहीं है। मैं बेसिकली आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि प्लानिंग करेंसी आपको मिलेगी या ये रिटर्न हो जाएगी प्लानिंग डेट को, अगर इस तरह की कोई न्यूज ना आ जाए तो बाइनेंस इसका रिस्पॉन्सिबल है, इसका नहीं। अगर आप इस पर ट्रेड करते हो, आप कहते हो कि यार मैं भी यहाँ पे बाई कर देता हूँ, मार्केट यहाँ से गिर जाता है, तो इस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपकी लॉस का नहीं लेगा। यहाँ पे डिफरेंट लिंक्स हैं जहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्केट में जो भी नई चीज़ें आएगी या अनाउंस करेंगे वो अपनी करेंसी के बारे में, किसी भी करेंसी के बारे में, तो वो आपको मिलेंगे। तो आप यहाँ से इन लिंक्स पे क्लिक करके बिल्कुल जा सकते हैं और अपडेट्स ले सकते हैं कि जितनी भी नई अपडेट्स आएगी तो आपको पता होगा। थैंक यू वेरी मच।